दूसरी ही सुबह उन पांच अफराद को एक नए केस से दोचार होना पड़ा। ये किंग्स लेन के एक मुतमव्विल आदमी की लाश थी जिसकी आंतें पेट से निकलकर फर्श तक लटक आई थी और उसके करीब ही फर्श पर सुर्ख दायरा मौजूद था जिसे बनाने के लिए सुर्ख रंग की चौक इस्तेमाल की गई थी। ये कत्ल जोरो स्क्वायर में हुआ था और लाश ख्वाबगाह में पाई गई थी। इमारत में मकतूल के अलावा 8 अफराद और भी थे लेकिन वो सब रात भर बेखबर सोते रहे थे। लाश सुबह 8 बजे देखी गई। ख्वाबगाह में चारों तरफ अबतरी नजर आ रही थी, शायद ही कोई चीज अपनी पिछली हालत में रही हो। साफ जाहिर था कि वहां खासी हड़बोंग हुई होगी लेकिन इसके बावजूद भी बराबर के कमरे में सोने वाली को इसकी खबर न हुई। वो मकतूल की लड़की थी और उसका दावा था कि वो हमेशा कच्ची नींद सोती है। अगर कोई पंजों के बल चलता हुआ भी उसके करीब से गुजर जाए तो उसका जाग पड़ना लाजमी होगा। इंस्पेक्टर आसिफ की पार्टी बड़े इनहिमाक से लाश और कमरे का जायजा ले रही थी लेकिन खुद इंस्पेक्टर आसिफ दूर खड़ा उन्हें इस अंदाज में देख रहा था जैसे स्कूल मास्टर ने अपने कुछ शागिर्दों को हल करने के लिए कोई सवाल दिया हो और अब उनके जवाबात का मुंतजर हो। रेखा के अलावा सब लोग लाश के पास से हटकर दूसरी चीजों की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। रेखा लाश को बहुत गौर से देख रही थी। खसूसियत से मरने वाले का बायां हाथ उसकी तवज्जो का मरकज था। आसिफ पहले ही लाश का जायजा ले चुका था। कुछ देर बाद रेखा लाश के पास से हटकर आसिफ के करीब आ गई। आपका क्या ख्याल है? उसने आसिफ से पूछा। नहीं मिस रेखा, आसिफ सर हिलाकर मुस्कुराया। पहले आप सब लोग किसी एक राय पर मुत्तफिक हो जाइए, फिर मैं अपना ख्याल जाहिर करूंगा। रेखा ने फिर कुछ नहीं पूछा। वो वहीं खड़ी कुछ सोचती रही। थोड़ी देर बाद वो सब एक बात पर मुत्तफिक हो गए, यानी हमलावर कई थे। उन्होंने मकतूल को सोते से उठाया और फिर काफी जद्दोजहद के बाद वो इस पर काबू पा सके, फिर उसे फर्श पर गिराकर उसका पेट चाक कर दिया। मुत्तफिकीन में रेखा भी थी लेकिन उसने एक चीज की तरफ सबकी तवज्जो मबजूल कराई जिसे शायद वो सब नजरअंदाज ही कर गए थे। मकतूल के बाएं हाथ की उंगलियां, उसने कहा, इनके सिरों पर सुर्खी नजर आ रही है, सिर्फ छोटी उंगली पर सुर्खी नहीं है। अब बताइए आप हजरात क्या कहेंगे? क्या वाजे तौर पर यह इसका इशारा नहीं है कि हमारे फैसले में कुछ गड़बड़ है? लेफ्टिनेंट सिंह ने झुककर उसकी उंगलियों को छुआ और सुर्खी उसकी उंगलियों में छूट आई। फिर उसका मवाजना दायरे की सुर्खी से करने के बाद उसने कहा, बेशक मिस रेखा ठीक कह रही हैं। फिर? आसिफ ने सवाल किया। इसका मतलब यह है कि या तो दीदा दानिस्ता मुजरिमों ने किसी खास मकसद के तहत इसकी उंगलियों में रंगीन चौक के निशान डाले हैं या फिर वो चौक मकतूल के हाथ में भी रही है। रेखा खामोश होकर फिर लाश की तरफ देखने लगी। होगा, दोनों बातें हो सकती हैं, आसिफ ने लापरवाही से कहा। लेकिन हमें इस चीज को सरसरी नजर से न देखना चाहिए, रेखा बोली। मिस रेखा, क्या आप इसे क्लू के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हैं? जी हाँ, मैं यही महसूस कर रही हूँ। अच्छा तो आप महसूस कीजिए, बकिया लोग काम करेंगे, आसिफ ने तल्ख लेजे में कहा। वैसे अगर आप फरीदी के साथ काम करती तो उसे भी बहुत खुशी होती, वो भी आलम महसूसात का बादशाह है। आसिफ के दूसरे साथियों को भी उसका ये जुमला बहुत गिरा गुजरा। और तो सब खामोश ही रहे लेकिन लेफ्टिनेंट सिंह उखड़ गया। आसिफ साहब आप झक मारते हैं, हम में से किसी की भी राय का आप मजाका नहीं उड़ा सकते। अपना लहजा ठीक करो, आसिफ गुर्राया। मैं पार्टी के लीडर की हैसियत रखता हूँ। यार आसिफ, तुम्हें तो सियासी पार्टी का लीडर होना चाहिए था, इंस्पेक्टर जावेद ने कहा। जहां जहानत से ज्यादा रश्क और हसद के दांव पेच काम आते हैं। बात आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि महकमा सुराग रसानी के फोटोग्राफर अपने साजो सामान समेत वहां पहुंच गए थे। बहरहाल
रेखा बेताल्लुकाना अंदाज में उन सब की कार्रवाइयां देखती रही। आसिफ की बात उसे नागवार गुजरी थी और उसने तहैया कर लिया था कि आसिफ को नीचा दिखाए बगैर न रहेगी। आसिफ उस वक्त एक खिड़की से टेक लगाए खड़ा फोटोग्राफरों को देख रहा था। खिड़की में सलाखें लगी हुई थीं और दूसरी तरफ बारजा था। ये कमरा दरअसल दूसरी मंजिल पर था और बारजा दूसरे कमरों के सामने दूर तक फैला हुआ था। अचानक आसिफ उछलकर आगे की तरफ हट गया, फिर खिड़की की तरफ मुड़कर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करने लगा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो अपनी पीठ पर रींगते हुए किसी मकौड़े को झाड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन दूसरे ही लम्हे रेखा की आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि शार्क स्किन के सफेद कोट पर सुर्ख रंग का दायरा बहुत नुमाया था और कुछ देर पहले वो दायरा आसिफ की पुश्त पर हरगिज मौजूद नहीं था, वरना वो पहले ही दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता। रफ्ता रफ्ता सबने उसे देख लिया, लेकिन आसिफ को उसकी खबर नहीं थी। क्या बात है? उसने दूसरों को अपनी तरफ घूरते देखकर पूछा। सुर्ख दायरा, इंस्पेक्टर जावेद ने कहा। क्यों बकवास करते हो यार, अपना काम करो। आसिफ झुंझला गया। इंस्पेक्टर जावेद उसके पुराने साथियों में से था और करीब करीब हम उम्र भी। तुम्हारी पुश्त पर सुर्ख दायरा मौजूद है, जावेद ने संजीदगी से कहा। पहले तो आसिफ कुछ समझा ही नहीं, फिर अचानक उसे उस मकौड़े का ख्याल आ गया जो उसे अपनी पुश्त पर रींगता महसूस हुआ था। उसने जल्दी से कोट उतार डाला। दायरा उसी रंग की चौक से बनाया गया था जिस रंग की चौक उस कमरे के फर्श वाले दायरे में इस्तेमाल की गई थी या जिसके धब्बे मकतूल की उंगलियों पर मिले थे। आसिफ कोट को वहीं छोड़कर बारजे पर दौड़ने लगा। फिर दूसरे लोग भी बारजे पर आ गए। आसिफ की पुश्त पर दायरा किसने बनाया था, ये इंतहाई कोशिशों के बावजूद भी न मालूम हो सका। अब आसिफ ने लाश को तो छोड़ दिया था और एक एक की जामा तलाशी लेता फिर रहा था कि शायद किसी के पास से सुर्ख रंग की चौक बरामद ही हो जाए। सारी इमारत उलट पलट डाली गई, लेकिन रंगीन चौक का टुकड़ा कहीं भी दस्तियाब न हो सका। रेखा आसिफ की बदहवासियों पर हंसती रही।